हेलो गाइस, वेलकम टू लक्ष्मीज फूड वर्ल्ड। आज हम बिल्कुल इंडियन स्टाइल क्रीमी मैक्रोनी बनाएंगे, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा भगोना पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे गर्म होने देंगे। नमक और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अब हम मैक्रोनी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैक्रोनी को सिर्फ 80% पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैक्रोनी हमारी पक चुकी है, इससे ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसे हम छान लेंगे और ठंडे पानी से अच्छे से धुल देंगे, जिससे कि मैक्रोनी चिपके नहीं। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। जब रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब उसमें 2 चम्मच जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छे से पक जाएगा, तब उसमें चॉप्ड प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा मुलायम होने तक पकाएंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन होने लगे, तब उसमें कटे हुए टमाटर के टुकड़े डालेंगे। टमाटर के टुकड़े बारीक काटिएगा। अब थोड़ी देर तक टमाटर को पकाएंगे। दो चम्मच अशोक सब्जी मसाले मिलाएंगे। मैंने अशोक मसाले इसलिए लिए हैं, ये थोड़ा लाइट होता है, इसमें पीलापन लाइट रहता है, इसीलिए मैंने इसको लिया है। अब हम 1 कटोरी फ्रेश मलाई लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर तक पकाएंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई डालकर सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। तुरंत मैक्रोनी डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि सारी मैक्रोनी अलग है, चिपकी हुई नहीं है।
मैक्रोनी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे।